नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं मिलीबग्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। मेरे इस पौधे को ये देखिए, मिलीबग्स लगभग ख़त्म कर रहे हैं। मैं 10 दिन के लिए घर गई हुई थी, तो उन 10 दिनों में कोई पेस्टिसाइड इन पर नहीं पड़ा, तो देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। मैं आई हूँ घर तो देखा ये आधा रह गया है पेड़, ब्रांचेस तो दिख रही हैं लेकिन पत्तियाँ कलियाँ ये सब खा गए हैं। ये देखिए कोई ऐसी शाखा नहीं है, ये देखिए, जिस पर ये लगे ना हो, और कई जगह बिल्कुल इस तरह लगे हुए हैं कि ब्रांच वाइट दिखने लगी है। और जब ये आपके पेड़ों पर लग जाते हैं तो नई शाखाएँ, मुलायम शाखाएँ जो आती हैं वो तो चाट जाते हैं, तो नई कोपले तो आपके पेड़ पर आ ही नहीं पाएंगे। ये देखिए कलियाँ सब चाट जाते हैं, तो कलियाँ भी जो पुरानी होंगी वो गिर जाएंगी या तो बहुत छोटे छोटे फूल आएंगे उनमें। ये देखिए ब्रांचेस पे पत्तियाँ रही नहीं गई हैं, सब खा गए हैं। ये पूरा पेड़ इसी तरह, ये अगर मैं सोचूं कि हाँ कुछ दिन और मैं रुक जाऊं 10-15 दिन, तो 10-15 दिन में पेड़ मेरा सिर्फ डंडियाँ ही डंडियाँ दिखाई देंगी। तो मुझे इसको हटाना है, और मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से नहीं हटा सकती। ये देखिए ये तो वाइट हो गई है ब्रांच, ही ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से ये नहीं हटेंगे दोस्तों। मैं रोज़ करूं तब भी नहीं हटेंगे, और मैं केमिकल पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर ही इससे जाएंगे। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे लग रहा है पानी की तेज़ बौछार करना। तो दोस्तों, जब पानी की आप तेज़ बौछार करते हैं तो ये डालों को छोड़ छोड़ के गिर पड़ते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं। पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है और ना पौधों की सेहत के लिए अच्छा है। तो मैं खुद इतनी बड़ी मात्रा में कि इसमें मैं रोज़ अच्छी खासी क्वांटिटी में पेस्टिसाइड डालूँगी, तब इससे वो जाएंगे मिलीबग्स। तो मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि मैं पानी की तेज़ बौछार दूँ और वो गिर जाए। तो इस बौछार से मिलीबग्स सब ब्रांचेस को छोड़ छोड़ के पानी के साथ बह के नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास गमला है या आपका पौधा ऐसी जगह जहाँ पानी अच्छे से बह के निकल जाएगा, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप बाथरूम में अपने गमले को ले जाइए या ऐसी जगह जहाँ पानी अच्छे से बह जाए, तो वहाँ इस तरह साफ़ करिए और जितने भी मिलीबग्स ज़मीन पर गिरते हैं उनको पानी के साथ बहा दीजिए। तो इस तरह 2-4 बार करेंगे तो आपका पेड़ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा मिलीबग्स से। और पेड़ों को तो पौधों को वैसे भी धोते रहना चाहिए ताकि इनकी पत्तियाँ फ्रेश बनी रहें और इनमें धूल मिट्टी ना जमने पाए, तो इनको वैसे भी धोते रहना चाहिए। और मिलीबग्स के कारण तो मेरा ये पौधा धोना और ज़रूरी हो गया। इसी तरह मैं धोती रहूँगी, 2-3 दिन तो लगातार धोऊँगी, उसके बाद 2-3 दिन के अंतर पर ऐसे 5-6 बार धोने पर इससे मिलीबग्स हमेशा के लिए चले जाएंगे। और वैसे भी जब दोस्तों मानसून का सीज़न आता है तो अपने आप झड़ जाते हैं बरसते हुए पानी के साथ, लेकिन अगर मैं मानसून का इंतज़ार करूँगी तो मेरा ये पेड़ पूरी तरह खा जाएंगे वो। ये देखिए इस तरह तेज़ बौछार इस पर करने से ये सब डालों से छूट छूट कर नीचे गिर पड़ते हैं। तो अगर आप गमले में लगाए हैं तो ऐसी जगह ले जाइए, सारे मिलीबग्स बहा दीजिए और आपके पौधे को मिलीबग से छुटकारा मिल जाएगा। ये देखिए डालों में पत्तियां बची ही नहीं थी, अब ये देखिए जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया है ठीक से, वहाँ वहाँ अब भी हल्के फुल्के हैं, पर अब ये गुच्छों में कहीं पर भी नहीं है। ये देखिए अब ये मैक्सिमम तो ब्रांचेस साफ़ हो चुकी हैं। ये देखिए तो पानी की बौछार से ये सब बह चुके हैं। अब ये मैं रेगुलर करूँगी तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे पेड़ों से, और ये गिर के ये देखिए ज़मीन पे आ गिरे हैं, और ये धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ेंगे। जितने बह गए हैं वो तो चले गए हैं नहीं जाते, और ये दीवारों पे चढ़ रहे हैं, ये सब पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए मुझे रोज़ इसको धोना पड़ेगा, 2-3 दिन मैं रेगुलर धोऊँगी इसको, फिर 2-3 दिन का गैप करके धोऊँगी, अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये समस्या है और आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आप ये करके देखिए, बहुत अच्छा तरीका है पानी से मिलीबग्स को अपने पेड़ों पर से हटाना।
ये देखिए सब साफ हो गया है। अब यही मैं रोज़ करूँगी तो मेरा पेड़ भी साफ़ सुथरा रहेगा। और दोस्तों इनके साथ समस्या ये होती ना, ये आसपास के पौधों, पहले तो ये गुड़हल में लगे थे, फिर धीरे धीरे आसपास के पौधों में लगे। अब ये चांदनी के पौधे पे तो कैटरपिलर के अलावा मुझे लगता है कोई कीड़ा नहीं लगता है, तो वो बचा हुआ है। ये देखिए कनेर इसके नीचे पड़ता है तो कनेर पर भी लग गए हैं। और ये मिर्च में ढेर सारी मिर्चियाँ आई थी, उन सब में लगे हुए थे, वो तोड़ी है मैंने तो मुझे लगा। और इससे जो थोड़ी दूर पर भी पौधे थे उनमें भी सब मिली वक्त लग गए हैं, पोर्चूला में लग गए हैं, बैंगन के पेड़ों में लग गए हैं। तो अब मैं पानी से ही इससे छुटकारा पाऊँगी। और आप भी अपने घर में करके देखिएगा। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।